नॉलेज लीड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाइए टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। क्या कभी आपने अपना कंप्यूटर या फिर लैपटॉप फॉर्मेट किया है? हाँ किया है। तो फिर कभी आपको उसके डिवाइस ड्राइवर इंस्टॉल करने में तकलीफ होती है? आपके पास कभी सीडी डीवीडी होता है या फिर जब होता है वो रीडिंग रीड नहीं होता है या फिर उसके डिवाइस ड्राइवर आपको ढूंढने में बहुत तकलीफ होती है? तभी जाके आप इंटरनेट पे वो डिवाइस का ड्राइवर ढूंढने में लगते हैं। लेकिन भाई इंटरनेट पे जाएंगे तो वहाँ पे बहुत सारे डिवाइस ड्राइवर बोलते हैं, अभी एग्जैक्ट डिवाइस ड्राइवर कौन सा है ये भी कैसे पता ले, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं। तो चलिए आज देखते हैं एग्जैक्ट डिवाइस ड्राइवर का इंस्टॉलेशन कैसे करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय और आप देख रहे हैं नॉलेज लीड चैनल। आपको अभी क्या करना है, जब भी आपको डिवाइस ड्राइवर की जरूरत पड़े तभी आप गूगल ओपन कीजिए। गूगल ओपन करने के बाद वहां पे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन ऐसा सर्च करो। ड्राइवर पैक सॉल्यूशन ये सर्च करने के बाद आपको पहला ही ऑप्शन आ जाएगा, ड्राइवर पैक सॉल्यूशन डाउनलोड फ्री ड्राइवर अपडेट सॉफ्टवेयर। ओके, यहाँ पे इसका लिंक जो है वो नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, https://drp.su.en। ये वेबसाइट को आप ओपन करो। ये वेबसाइट को ऊपर जाने के बाद आपको ये ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का वेबसाइट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखो, ड्राइवर पैक वी इंस्टॉल ड्राइवर फॉर फ्री एंड सॉल्व ड्राइवर प्रॉब्लम ऑन एनी डिवाइस। मतलब आपके कंप्यूटर में जितने भी डिवाइसेस कनेक्टेड है और जिनका ड्राइवर उनके डेटाबेस में है, वो सभी डिवाइस का लिस्ट वो आपको यहाँ पे दिखाएगा और अपने आप इंस्टॉल ड्राइवर्स करेगा। आपको कोई जरूरत नहीं है कि इसका एग्जैक्ट मॉडल नंबर, उसका सीरियल नंबर या फिर जो भी डिटेल्स है वो ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली आपके डिवाइस को डिटेक्ट करेगा, उनके ड्राइवर जो है वो ड्राइवर ऑटोमेटिकली लोड करेगा। अभी इसमें जो है इसमें आपको तीन टाइप्स के डिवाइस ड्राइवर्स है। मतलब अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे ड्राइवर पैक हैज बीन क्रिएटेड एडमिन बट इट इजी टू इवन फॉर बिगिनर्स। ओके, यहाँ पे वो लिंक दिया हुआ है, डाउनलोड ड्राइवर पैक ऑनलाइन। यहाँ पर अगर आप क्लिक करते हो तो इसमें से एक exe डाउनलोड होगा, वो exe आपको अपने कंप्यूटर में रन करना है। ओके, ये देखो अभी यहाँ पे मैंने ड्राइवर पैक जो है वो ड्राइवर पैक यहाँ पे डाउनलोड किया है और डाउनलोड होने के बाद ये अभी मैं रन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली आपके कंप्यूटर के जो ड्राइवर्स है वो ड्राइवर्स आपको यहाँ पे इंस्टॉल करके देगा। ओके, ये ड्राइवर पैक अभी सॉल्यूशन जो है वो इंस्टॉल्ड हो रहा है, अपने डिवाइस ड्राइवर को स्कैन कर रहा है, कौन से डिवाइसेस अपने लैपटॉप में या फिर कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है वो चेक कर रहा है। वो स्कैन करने के बाद जिसको ड्राइवर असाइन नहीं है या फिर जिसका ड्राइवर का ओल्ड वर्जन आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड है और न्यूअर वर्जन जो है वो न्यूअर वर्जन इसके डेटाबेस में अवेलेबल है, वो सब स्कैन करेगा, एनालाइज करेगा और इंस्टॉलेशन के लिए जितने भी ड्राइवर्स उसके डेटाबेस में अवेलेबल है वो आपको शो करेगा। यहाँ पे ये जो ड्राइवर्स पैक जो है ये ड्राइवर पैक आप ऑफलाइन के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। जब तक ये स्कैन हो जाए तब तक हम वो ऑफलाइन यूटिलिटी क्या है वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे देखो आपको ड्राइवर पैक ऑनलाइन, ड्राइवर पैक फॉर नेटवर्क एंड ड्राइवर पैक ऑफलाइन, ऐसे तीन ऑप्शन है। मेरा रिकमेंडेशन ये है कि अगर एक बार आपने ये ड्राइवर पैक ऑफलाइन डाउनलोड करके रख दिया है तो आपको बार बार ड्राइवर पैक के वेबसाइट पे जाके ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर मशीन फॉर्मेट किया या फिर लैपटॉप फॉर्मेट किया है तो फॉर्मेट करने के बाद उसके नेटवर्क ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं रहते या फिर उसका वाईफाई का ड्राइवर ही इंस्टॉल नहीं रहता,
तभी आपको बहुत प्रॉब्लम होता है कि अभी मेरे पास इंटरनेट ही नहीं है तो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन से मैं यह डाउनलोड कैसे करूं। तो भाई ये प्रॉब्लम होता है, इसके लिए आपको क्या करना है कि ड्राइवर पैक ऑफलाइन, ये जो 13 GB का ये जो डीवीडी है, ये डीवीडी आपको ऑफलाइन डाउनलोड करके रखना है। एक बार ही आपको डाउनलोड करके रखना है, इसके बाद आप जब भी आपको ड्राइवर लगेगा तभी आप ये ड्राइवर पैक ऑफलाइन के डीवीडी से आप ये ड्राइवर जो है वो ड्राइवर इंस्टॉल कर सकते हैं। ओके सो हम चलते हैं यहाँ पे देखो, ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरिंग एचपी एंड एक्सपर्ट मोड। अभी कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली, इसके ऊपर आपने अगर क्लिक किया तो अभी ये जो कंपनी है ये कंपनी आपको फ्री ये सब ड्राइवर्स दे रहा है, तो उसके वजह से ये आपको नहीं चाहिए। फिर भी ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर मतलब यूटिलिटी जो है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल करता है। तो यहाँ पे देखो 16 ड्राइवर्स टू बी इंस्टॉल्ड, मतलब जो 16 टाइप्स के ड्राइवर्स है वो यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएंगे और 9 एप्स विल बी इंस्टॉल्ड। मतलब ये देखो बीटा फॉर परफेक्टेशन, बैड रैबिट, ओपेरा, फायरफॉक्स, ऐसे बहुत सारे ऐप भी वो क्या करेगा इंस्टॉल करेगा। उसके साथ साथ डायग्नोस्टिक भी हो जाएगा यहाँ पे आपका, नेटवर्क कनेक्शन चेकअप, वीडियो कार्ड चेकअप, साउंड कार्ड चेकअप एंड अदर डिवाइस ड्राइवर। तो इसकी वजह से अगर आपको ये स्किप करना है, मतलब सपोज आपको ये सिर्फ ड्राइवर ही इंस्टॉल करना है, ये ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, तो आप एक्सपोर्ट मोड के ऊपर क्लिक करो। एक्सपोर्ट मोड के ऊपर क्लिक करने के बाद जिसको आपको इंस्टॉल करना है वो टिक करो और जिसको नहीं इंस्टॉल करना है वो अनटिक करो। यहाँ पे देखो ये जो 16 टाइप के ड्राइवर्स है, उसके बाद यहाँ पे देखो जो टूल किट्स है वो टूल किट्स यहाँ पे आएंगे, तो वो ये टूल किट्स मुझे नहीं चाहिए तो इसको मैं अनटिक कर देता हूँ, इसको भी अनटिक कर देता हूँ डायरेक्ट एक्सो। सिस्टम लाइब्रेरीज, .NET फ्रेमवर्क्स, ये सबको मैं क्या कर देता हूँ अनटिक कर देता हूँ। तो अभी बाकी का जो है वो इंस्टॉल 21, मतलब यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा सॉफ्टवेयर जो ड्राइवर जो है वो इंस्टॉल हो जाएंगे, और उसमें से अगर आपको सॉफ्टवेयर जो है वो सॉफ्टवेयर अगर आपको नहीं चाहिए तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर पे भी क्लिक करके आप वो अनटिक कर दो, तो फिर क्या हो जाएगा वो जो सॉफ्टवेयर है वो सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर में नहीं हो जाएंगे। इसकी आपके अगर जरूरत रहेगी तो ही आप इंस्टॉल करो, नहीं रहेगी तो आप इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप ये एक्सपोर्ट मोड ही यूज करें। रिकमेंडेड मोड यूज अगर आप करोगे तो इसमें आपको बहुत सारे अनवांटेड सॉफ्टवेयर भी इंस्टॉल हो जाएंगे, तो ये आपको करना है। इस तरह आप अपने कंप्यूटर में ड्राइवर का जो इंस्टॉलेशन है वो एकदम इजीली कर सकते हैं। अगर आप इंटरनेट रहेगा तो डायरेक्टली ऑनलाइन आप कर सकते हैं, लेकिन आपके पास इंटरनेट नहीं रहेगा तो वो ऑफलाइन का जो किट है वो ऑफलाइन का किट आप यहाँ से डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे डाउनलोड करने के बाद 13.9 GB का है ये डाउनलोड, एक बार आपने अगर डाउनलोड कर दिया तो बाकी कभी आपको आगे जाके आप जब भी फॉर्मेट करेंगे तभी आपको ड्राइवर पैक ऑनलाइन में डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही डीवीडी से आपका काम हो जाएगा। ओके सो आज के लिए इतना ही, आपको ये वीडियो कैसा रहा या बिल्कुल बताइएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिए। अगर हाँ आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही जाके सब्सक्राइब करें, नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब बटन के ऊपर क्लिक करो और ऐसे ही नए नए टेक्निकल टिप्स एंड ट्रिक्स देखते रहिए। चलिए चलते हैं, जय हिंद।